अगर आप एक स्केचअप यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप एक्सटेंशंस का यूज़ ज़रूर करते होंगे अपने वर्क फ्लो को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। बट यू नो व्हाट, हमारे पास स्केचअप टोन्स ऑफ एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है एंड उनमें से हम लोग लिमिटेड एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। यस, ये बात ठीक है कि कुछ एक्सटेंशंस उनमें से पेड हैं एंड कुछ एक्सटेंशंस वहाँ पर फ्री हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टॉप 20 एक्सटेंशन जो कि आप कम्प्लीटली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इन सभी एक्सटेंशंस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं और स्केचअप को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। So do watch the video till the end and I'll see you after a short intro. So यहाँ पर सबसे पहले हम कवर करते हैं कि आपको एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो फाइल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो फाइल्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और स्केचअप इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना है एक्सटेंशन मैनेजर पे। जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल एक्सटेंशन का। सिंपली इस पर जाइए, एक्सटेंशंस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको करना है ओपन। ओपन कर देंगे, ऐसे ही करके वन बाय वन करके आपको सभी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके देखेंगे तो जितने भी टूल बार्स आपने ऐड किए हैं वो सभी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इन केस कोई एक्सटेंशन आपको शो नहीं होता है तो मे बी वो यहाँ पर ना शो हो, आप एक्सटेंशन में जाएंगे तो भी आपको विजिबल होगा। और आप टूल्स टैब में जाकर भी चेक कर सकते हैं तो कुछ एक्सटेंशंस जैसे मेटल रिप्लेसर, सॉलिड इंस्पेक्टर, ट्यूबैंड, क्यूरिक हेल्पर, ये आपको यहाँ पर मिलते हैं तो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल कर लेंगे, अभी हम वन बाई वन करके उन ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बेजियर स्प्लाइन का। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको किस नेम से जो ऑप्शन मिलने वाला है वो मिलेगा आपको BZ_toolbar। आप इसे यहाँ पे एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं। ये जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी आपको स्प्लाइंस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे पहला जो आपके पास है वो यहाँ पे क्लासिकल बेजियर कर्व। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं बिल्कुल स्टार्ट पोजीशन पे एंड देन हम लोग यहाँ पर इसमें वर्टेक्स प्रोवाइड करते हैं स्मूथनेस के लिए। तो लेट सपोज मेरे पास ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मेरे पास इसका एंडिंग पॉइंट है। अभी मैं जिस तरीके से इसमें वर्टेक्स प्रोवाइड करूँगी उसकी हेल्प से मैं क्या कर पाऊँगी, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे कर्व प्रोवाइड कर पाऊँगी। सिंपली डबल क्लिक आपको करना है जहाँ पर आपको इसको स्टॉप करना है। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, जितनी भी जगह पर आपको प्लस का आइकन दिखा हुआ है इसे आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप बाहर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कर्व है वो आपका रो हो गया। इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे पॉलीलाइन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे लाइन क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको किस में मिलने वाली है, पॉलीलाइन के अंदर। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको डबल क्लिक ज़रूर करना है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कर्व में चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप उसे सिंपली सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एडिट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन क्रिएट किया था तो BZ_edit_polyline मिला है। आप इस पर क्लिक करके चेक करोगे तो BZ_edit_classic_bezier_curve इसके आपको नेम से मिलेगा। ठीक है, तो क्लिक कीजिए, सिंपली सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके आपको इनके जो पोजीशंस है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट करके चेक कर सकते हैं। जैसे पॉलीलाइन चैम्फर है, आप इस पर क्लिक कर तो यहाँ पे आप चैम्फर डिस्टेंस बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 7 इंचेस। ओके किया और यहाँ पर देखिए 1 एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, यहाँ पे चैम्फर हो रहा है। कितने डिस्टेंस पे होगा, 7 इंचेस के डिस्टेंस पे। सिमिलरली आपको आर्क का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये है पॉलीलाइन आर्क कॉर्नर। इस तरीके से यूनिफॉर्म स्प्लाइन आपके पास है, कैटमल है आपके पास, आप इसकी हेल्प से भी वर्क कर सकते हो लाइक दिस। ये देखिए मतलब अलग अलग फीचर्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, आप इनका यूज़ कीजिए और आप जिस तरीके की स्प्लाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है,
देन हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ, दैट इज बेजियर सरफेस। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सरफेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग किसे क्रिएट करते हैं, स्पाइन को। सिमिलरली इस एक्सटेंशन के अंदर हम लोग यहाँ पर सरफेस को क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्वाड पैच क्रिएट करना होता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आप सिंपली क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, ये इसका ऑपोजिट कॉर्नर रहेगा, और यहाँ से आपको इसमें इस तरीके से क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो कर देगा। तो सेलेक्ट करने के लिए है, ये मूव करने के लिए है, यहाँ पर क्वाड पैच है ऐड करने के लिए, और यहाँ पर ये है मर्ज करने के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा क्वाड पैच क्रिएट किए हो तो उस केस में आप इसको मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से शेप्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक आइकन मिला हुआ है, और ये बेसिकली हमारे यहाँ पे एजेस हैं। अगर आप यहाँ पे एजेस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चेंजमेंट करेंगे तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे मूव रेड एक्सिस के अंदर, ब्लू एक्सिस के अंदर, ग्रीन एक्सिस के अंदर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके अंदर रोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। क्लियर है, यहाँ पे ये देखिए। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करके करते हैं, तो यहाँ पे अभी इम्पेक्ट किसके ऊपर आएगा, सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर आएगा इस तरीके से। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी सरफेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप इजीली इस एक्सटेंशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। इसको क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से मूव किया। बाहर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कर्वी लॉफ। कर्वी लॉफ हमें क्या करता है, हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेप्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कर्वी लॉफ प्लगइन के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं, आपको तीन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा जिसमें आप शेप्स को, सर्फेसिस को क्रिएट करेंगे स्प्लाइन की हेल्प से। नेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे पाथ की हेल्प से करना है, और थर्ड हम लोग यहाँ पे कंटूर की हेल्प से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ सबसे पहले स्प्लाइन के अंदर, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जितने भी सर्फेसिस हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका दो होने चाहिए, आप मल्टीपल भी रख सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पे दो रखा हुआ है, तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सेकंड पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप इसी तरीके से मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, ये स्प्लाइन के मेथड्स है, तो ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपको आर्क फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे, जितना आपको नीड है आप उतना यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। सिंप्लीफाई के ऑप्शन है, यहाँ पर इंटरपोलेशन है, इंटरपोलेशन भी स्मूदनेस पे वर्क करती है। यहाँ पर वी एक्स मैचिंग है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये लीनियर नॉन लीनियर ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर ज्योमेट्री के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अभी ये सारा जितना भी कनेक्ट हुआ है, ये बेसिकली स्ट्रेट कनेक्ट हुआ। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा कर्व फॉर्म में ये चीज़ कनेक्ट हो, तो आप यहाँ पे किसी भी एक पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दिख रहा है आपको एक स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर्व प्रोवाइड कर देंगे। क्लिक कीजिए इस पे और यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको गिवन है, ये ग्रीन वाले डॉट को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर इसको कर दीजिएगा मूव। दिख रहा है आपको, सिंपली आपको क्लिक करना, क्लिक करके आप मूव करेंगे तो वहाँ पे वो क्या करेगा, आपको आर्क प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने फ्रंट वाले में किया है, सिमिलरली आपको इसमें बैक वाले में भी करना है, तो क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको इसको चेंज कर देना है लाइक दिस। क्लियर है, ये आप यहाँ पे करेंगे। फाइनल होने के बाद यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो विद इन सम टाइम आपका जो फेस होगा वो यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किसके थ्रू क्रिएट किया, एक स्प्लाइन के थ्रू क्रिएट किया, हम लोग यहाँ पे पाथ के अलोंग भी कर सकते हैं। उस केस में आपको ज़रूरत होगी एक पाथ की और उन शेप्स की, तो मुझे सिंपली करना है कि उन सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे मुझे सिंपली किस पे क्लिक करना है, कर्वी लॉफ्ट लॉफ्ट अलोंग पाथ, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर विद इन सम टाइम आपको एक शेप प्रोवाइड कर देगा, सेम तरीके से आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, आप कर्व में चेंज करना चाहते हैं,
क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसमें कर्व में चेंजमेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो विद इन सम टाइम ये शेप भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड डजेंट मैटर कि वो सर्कुलर शेप ही होना चाहिए, फिर प्लेनर शेप ही होना चाहिए, हेलिक्स तरीके का कुछ भी शेप होगा तो भी वो सेम तरीके से क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करेगा। और लास्टली यहाँ पे मेरे पास है एक सरफेस, क्लोज सरफेस है, तो मुझे इस सरफेस के अलोंग ही क्रिएट करने, तो मैं यहाँ पे किस ऑप्शन का यूज़ करूँगी, थर्ड ऑप्शन का, स्किन कंटूर का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन का यूज़ करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है एक्सट्रूजन टूल। इसका इस टूल का यूज़ भी हम लोग किस लिए करते हैं, इस तरीके के फेसेस को क्रिएट करने के लिए। नाउ इसे यूज़ करने के लिए वैसे तो काफ़ी लेंथी एक्सटेंशन, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं इसको। मैं भी के लिए आपको इसका एक बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास है एक्सट्रूड एजेस बाय रेल्स। अगर आप इस ऑप्शन पर जाते हैं तो इसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कीजिए ऑप्शन को, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, चूज़ कीजिए, इसको एक दफ़ा हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये असल में आपको एक्सक्लूड करने का नीड, तो राइट क्लिक करके पहले से कर लीजिएगा एक्सक्लूड एंड देन आपको यूज़ करना है। क्लिक किया, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको, फर्स्ट सेकंड, अभी इसके ऑपोजिट वाला थर्ड एंड फोर्थ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ से आप सिंपली इसको येस और नो कर सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको चेंज करना है देन। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ, उसी के अकॉर्डिंग एक फेस क्रिएट आपका हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पे पैरामेट्रिक मॉडलिंग करते हैं तो उस केस में आपका ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ऑप्शन है एक्सट्रूड एजेस बाय लैथ, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये फेस के अलोंग होगा। ये यहाँ पे सिर्फ ये जो पीछे के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे किसके लिए है, एजेस को एक्सट्रूड करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, मैंने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया एंड देन मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे जा रही हूँ, ठीक है। आप क्लिक करेंगे एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रूड करोगे, आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा सरफेस को यहाँ पे आपको एक्सट्रूड करके प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से। तो आप इन एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है फेस क्रिएटर। फेस क्रिएटर का यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए, जैसे मान लीजिए इसी के साथ साथ में मैं आपको एक और एक्सटेंशन सिखा दूँ। जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सरफेस है, मुझे इसमें से ना रेंडम फेसेस को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगी क्या, मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर गई टूल्स टैब पे और यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडम टूल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिलेक्शन का टैब भी मिलता है, आप एक दफ़ा उसे भी चेक कर सकते हैं। यह है एनोथ रेंडम सिलेक्शन, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आप इसको शफल कर सकते हैं लाइक दिस। ये मैंने क्या, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को चूज़ कर लेगा एंड सिंपली इसे कीजिए शफल, क्रॉस की जो सिंपली मैंने इसको डिलीट कर दिया। लेट्स सी, मेरे पास ये कुछ फेसेस थे जिसको मुझे यहाँ पे रिमूव होके मिले हैं, ठीक है। ये मैं कंडीशन लेकर के चलती हूँ जहाँ पे मैंने एक ज्योमेट्री को इंपोर्ट किया, बट उसमें से कुछ फेसेस यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव हैं। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे फेस क्रिएटर एक्सटेंशन का यूज़ कर सकती हूँ, बट मैंने अलग से इसको यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो सेम ऑप्शन आपको GHS पावर बार भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कंप्लीट ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद GHS पावर बार के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेस फाइंडर, जो कि एग्जैक्टली सेम वर्क करता है। आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए तो जितने भी आपके यहाँ पे फेसेस है जो आपके डिलीट हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली उन फेसेस को यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा, एक्सेप्ट दिस जिसका आपका जो सरफेस है वो यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है। अगर आपने क्लोज करके रखा हुआ है देन डेफिनेटली आप वहाँ पे भी इसका यूज़ कर पाएंगे, आपको पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, बट क्लोज करने के टाइम पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन भी काफ़ी हेल्पफुल है जब भी आपकी ज्योमेट्री को इंपोर्ट करता है और जिस टाइम आपके फेसेस रिमूव हो जाते हैं वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है ग्रुप टू कंपोनेंट। ये एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें एक कंप्लीट एक ह्यूज अमाउंट के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप को कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके हिसाब से आपको करना है क्या है, सिंपली ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। उस केस में आपको करना है क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन में आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपको जाना रहेगा इसमें टूल्स टैब के, इन दोनों में आपको मिल सकता है। सिंपली क्लिक कीजिए, लेट्स सी एक्सटेंशन में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्ट ग्रुप्स टू कंपोनेंट। तो ये बेसिकली करेगा क्या, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके ग्रुप में कन्वर्टेड थे वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं भी आपको उसकी कॉपीज़ लेकर के दिखाती हूँ। एंड लेट्स सी, मैंने यहाँ पे इस पे जाऊँगी तो इस ऑब्जेक्ट की मैंने जितनी भी कॉपीज़ लेनी है वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड आपको इस तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं, क्लियर है। देन नेक्स्ट एक्सटेंशन हमारे यहाँ पर आता है हेलिक्स अलोंग कर्व। इस एक्सटेंशन के अंदर हम लोग करते हैं कि जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, हम लोग एक कर्व के अलोंग यहाँ पर एक हेलिक्स जनरेट करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टूल बार इसका जो है वो यहाँ पे एक्टिव कर लीजिए, और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पाथ की। लेट्स सी, मेरे पास एक स्ट्रेट पाथ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे जाना है इस ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो रेडियस वन रेडियस टू ये आप डिफाइन करेंगे। लैप्स होता है एक कंप्लीट, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, मैं वापस घूम करके सेम पॉइंट पे आ रही हूँ तो वो मेरा एक लैप होगा। तो आपको कितने लैप्स रखने हैं यहाँ से लेकर के इस डिस्टेंस तक, वो आपको टाइप करना है। एक लैप के अंदर कितने नंबर ऑफ सेक्शंस आपके रहेंगे वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फेज एंड नॉइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, फिर लेफ्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, राइट की डायरेक्शन में चल रहा है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर आप उसी शेप के अलोंग ट्यूब क्रिएट करना चाहते हैं तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको नो करना है। इन केस अगर आप यस कर रहे हैं तो आपका ट्यूब का रेडियस कितना होना चाहिए वो आप डिफाइन करेंगे। एंड लेट्स सी, मैंने यहाँ पे किया टू फिट, एंड यहाँ पे मैंने बताया नंबर ऑफ साइड्स ट्यूब के अंदर, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करने, सिंपली क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, एंड थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। एंड विद इन सम टाइम आपका जो हेलिक्स होगा वो शेप आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट पाथ ही चूज़ करना, अगर आप कर्व पाथ में जाना चाहते हैं तो भी आप सेम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में मुझे ट्यूब नहीं क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे नो करूँगी और सिंपली मैं यहाँ पे इसे ओके कर दूँगी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे रहेगा GHS पावर बार। GHS पावर बार बहुत सारे एक्सटेंशंस का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर आप इस कंप्लीट एक्सटेंशन को सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप एक दफ़ा चैनल पर जा करके विजिट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर दो फेसेस हैं, लेट्स सी मुझे इसके अंदर यहाँ पर शेप्स क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको मिलते हैं। जैसे ये यहाँ पे रहेगा सब डिवाइड बाय सेल साइज, अगर आप सेल साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवीजन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको इसका यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5 और सिंपली मैं इसको ओके करूँगी तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर देगा। आप यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पे ऊपर आप जा रहे हैं, नंबर ऑफ डिवीजन बताइए और सिंपली ओके कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सी एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, मैं इस ऑप्शन का भी यूज़ बता देती हूँ। आप इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग सेल साइज़ डिफाइन करते हैं, तो आपको सेल का साइज़ कितना रखना है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। मेश एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 60 और सिंपली आप यहाँ पे ओके करेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपका एक शेप आपको क्रिएट होकर मिल गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा चीज़ एक और हम लोग यहाँ पर इसका टूल देख लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है सुपर बिल्ड का, तो इसके अंदर हम लोग करते क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई शेप क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे वो जो स्प्लाइन आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, अगर आप उन सभी पार्ट्स को एक उसमें मर्ज करना चाहते हैं तो आप उन सभी को सिलेक्ट कीजिए, सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे सुपर बिल्ड। ये क्या करेगा, उस कंप्लीट शेप को एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करने के लिए भी ऑप्शन है एक्सप्लोर ऑल, ठीक है। इसी के साथ साथ में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस एक्सटेंशन को कंप्लीट आप ज़रूर सीख लीजिए और एक दफ़ा आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए।
देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है मेटेरियल रिप्लेसर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। इस एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास एक काफ़ी बड़े एरिया में कोई मटेरियल है एंड लेट्स से किसी भी मोमेंट पे हम उस मटेरियल को रिप्लेस करने किसी दूसरे मटेरियल के साथ, तो वन बाई वन करके उस मटेरियल को लगाना, कॉपी पेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होते हैं। तो उस केस में हम इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है, मेटेरियल रिप्लेसर को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आपको ओल्ड के साथ आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। एज यू कैन सी जितनी भी जगह पर मेटेरियल आपका अप्लाइड होगा वो यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो करके अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है मेमोरी कॉपी। मेमोरी कॉपी एक्सटेंशन बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे मल्टीपल मेमोरी कॉपी एक्सटेंशन करता है कि आपने जो लास्ट कमांड यहाँ पर एक्टिव करी है उसी कमांड को बार बार में रिपीट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है मिरर क्यूरिक। मिरर क्यूरिक एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं मिरर करने के लिए। तो इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, इसे इनेबल कर लीजिए, सिलेक्ट आप करेंगे और यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे। वैसे सेम एक्सटेंशन आपको यहाँ पर GHS में भी मिलता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप GHS वाले को यूज़ कर रहे हैं, आप सेलेक्ट किया, क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसमें चेंजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मिरर तो करके दे रहे हैं बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ पे क्यूरिक मिरर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो प्रीव्यू भी बताएगा कि किस फेस के अंदर वो यहाँ पे आपको कॉपी प्रोवाइड करके दे रहा है, लाइक दिस आपको दिख रहा होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे वो चीज़ आपको कॉपी कर देगी। अगर आप कंट्रोल की को होल्ड करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसके यहाँ पे कॉपीज़ भी जनरेट कर सकते हो। विदाउट ओल्ड की होल्ड करेंगे तो यहाँ पे वो सेम एक्सटेंशन को, सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको रिप्लेस करके दे देगा। बट अगर आप यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करते हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, आपको उसकी कॉपी मिलने वाली है, क्लियर है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा अजेबो पुश लाइन। इस एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग किसी भी तरीके की लाइन को या SP लाइन को यहाँ पर एक्सट्रूड करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली एक्सटेंशन को इनेबल कर लेना है। जिस कर्व के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं सिंपली उसे सेलेक्ट कीजिए, एक्सटेंशन पे जाइए और क्लिक करके आपको जस्ट यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, उसकी जो लेंथ वगैरह वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, किस डायरेक्शन में आप उसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं। सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है स्केल एंड रोटेट मल्टीपल। सेम एक्सटेंशन है, आपको JHS में भी मिलता है, कैसे यूज़ करना है, क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रेंडमाइज रोटेशंस के लिए, ठीक है। तो आप सिंपली क्लिक करके यहाँ से इसको आप रेंडमली रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस एक्सटेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट बाय इमेज, इसके अंदर हम लोगों को एक इमेज डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें हम लोग अट्रैक्टर्स के थ्रू यहाँ पर रखते हैं, बट इस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा टिपिकल पड़ती है ये वाला जो एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ईजी तरीका क्या है कि हम लोग डायरेक्टली इन ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर इसको चेंजमेंट करें, लाइक दिस। जैसे भी आपको रेंडमली रोटेट करना है, स्केल करना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है। देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर होता है शेप बेंडर। शेप बेंडर के लिए, क्योंकि वो इस फाइल पे वर्क नहीं करता, मैंने अलग से एक फाइल प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसके लिए हम करते क्या है, हम लोगों को ज़रूरत होती है तीन चीज़ों की। एक हमारे उस शेप की, जिसे हमें यहाँ पे कर्व करना है, बेंड करना है। दूसरा, जैसा वो शेप राइट नाउ है उसका एक रेफरेंस। और थर्ड, जिसके अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जैसा वो अभी है उस रेफरेंस को, एंड देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जैसा हमें उसे कन्वर्ट करना है। क्लिक कीजिए, सिंपली उसको एंटर कर दीजिए, तो वो उसी शेप के अंदर आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपका रहता है सोलर नॉर्थ। सोलर नॉर्थ प्लगइन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, सन डायरेक्शन को रोटेट करने के लिए। तो
तो इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शेडोज़ को एक्टिव कर लेंगे। बट इस एक्सटेंशन को अभी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जो लोग रेंडरिंग को भी स्केचअप के अंदर ही करते हैं उन लोगों के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के ऊपर वर्क करते हैं, एंड सेम इसी के अंदर ही आप लोग उसको रेंडर कर लेते हैं। बट इन केस अगर आप वीरे या एंडस्केप का यूज़ करें तो वहाँ पे सन को रोटेट करने के लिए, ओरिएंटेशंस के लिए और पोजिशंस के लिए अलग से ऑप्शन गिवन है, तो वहाँ पर आपको इस एक्सटेंशन का यूज़ करने का नीड नहीं है। बट अगर आप स्केचअप में रेंडर करें तो डेफिनेटली ये एक्सटेंशन आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सोलर नोट प्लगइन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हम उसे करेंगे एक्टिव, क्लिक कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए ऐड। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला आपको डिस्प्ले नोट, आप नोट को बता पाएंगे कहाँ पर है, और सेकंड आपको यहाँ पे रहेगा कि आपने किस तरीके से चेंजमेंट करना है। तो क्लिक कीजिए और यहाँ से सिंपली आपको चेंज करना है। जिस डायरेक्शन में आप यहाँ पे जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपकी जो शेडोज़ होगी वो आपकी रोटेट हो जाएंगे। क्लिक कर दीजिए, किसी भी मूवमेंट पे आप इसकी शेडोज़ को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है टूल्स ऑन सरफेस। ये एक्सटेंशन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक कोई भी कर्व सरफेस होता है, ठीक है, या फिर कोई भी अदर आपके पास एक्सटेंशन हो गया, कोई भी अदर सरफेस हो गया, वहाँ भी आपको क्या करना है, उस सरफेस के ऊपर ही आपको एक शेप ड्रॉ करना है। तो उस केस में ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको सिंपली इसे इनेबल कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं, ये बेसिकली सरफेसेस हैं, आपकी शेप्स हैं। लेट सपोज मेरे पास ये एक शेप था और इसके ऊपर मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैं सिंपली क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, एग्जैक्टली सेम सर्फेस के ऊपर आपको ड्रॉ करके प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल करना है, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस, क्लियर है। यहाँ पे इस तरीके से पैरेललोग्राम है, एलिप्स आपको मिलेगा, क्लिक किया इस तरीके से आपने एक्टिव किया, क्लियर है ना। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, आप इसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए बाहर चलते हैं एंड हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू बेंड। ट्रू बेंड एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, जब भी हमें यहाँ पे किसी भी शेप को बेंड करना होता है, तो आप शेप बेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, आप टू बेंड का भी यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली जाना है, एक्टिव करना है, क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है वो पूरी, आपको शेप मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको उसे क्या करना है, इस तरीके से बेंड जो है वो प्रोवाइड कर देना। क्लिक कीजिए, सिंपली एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी मुझे इसको दूसरे शेप में करना है, क्लिक करेंगे इसे यहाँ पे रोटेट करेंगे, सेलेक्ट किया, क्लिक किया, एक दफ़ा हम लोग ऐसे इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं ग्रुप, क्लिक किया, सेलेक्ट किया, क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप इसको बेंड कर सकते हो लाइक दिस, क्लियर है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है विंडो। विंडोर एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, जब भी हमें यहाँ पे डोर एंड विंडोज़ को प्रोवाइड करना होता है, तो उस केस में आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मैच्योर एक्सटेंशन है, काफ़ी ज़्यादा टूल्स आपको यहाँ पे इसमें मिलते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे एक्टिव कर लेना, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, ये आपको एक्सटेंशन मिल गया है। दो ऑप्शन आपको मिले हैं, एक तो मल्टीपल क्रिएट करने के लिए, एक सिंगल क्रिएट करने के लिए। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हो जाते हैं पैटर्न। ए बी ए का मीनिंग क्या है, पहला जैसे आपने ए में डिफाइन किया हुआ है डायमेंशनस वगैरह वो सभी चीज़ें वो पहले दिखाएगा, फिर बी में आपको डिफरेंट रिपीट करना पड़ेगा, और ए में फिर पहले जैसा दिखाएगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए दो विंडो एंड एक डोर, तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ करूँगी, ए ए पी, क्लियर है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसे चूज़ करना है, सिंपली यहाँ पे हम इसे करेंगे ओके। यहाँ पे फिर आ जाएगा ओवरऑल विड्थ और हेड हाइट। तो ओवरऑल विड्थ आपको क्या रखनी है वो आपको डिफाइन करना है। लेट्स सी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 10 फिट, और हेड हाइट आपको कितनी रखनी है वो आपको डिफाइन करना है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 7 फिट। ओके कीजिए, रिवर्स विंडो करना है नहीं करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। विंडो और डोर, अभी ये किसके लिए है, टाइप ए के लिए। तो टाइप ए में मुझे चाहिए यहाँ पे विंडो, मैंने यहाँ पे ओके किया। अभी ये सारी डायमेंशंस आ जाएंगी विंडो के लिए, तो फिर थिकनेस कितना होना चाहिए वो डिफाइन किया, ग्लास थिकनेस रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर है विंडो ट्रेन मूल फ्रेम विड्थ, फ्रेम विड्थ मुझे यहाँ पर लेनी है 3 इंचेस। फ्रेम डेप्थ मुझे कितनी लेनी है वो आपको डिफाइन करना है। ये केसमेंट के लिए ये यहाँ पे रखिएगा आप 0.5 इंचेस या फिर 1 इंचेस रख दीजिए, और इसके लिए भी मुझे यहाँ पे रखना है कितना 1 इंचेस।
ये मैंने डिफाइन किया, इसकी थिकनेस बता दीजिएगा 2 inches, यहाँ पे कीजिए ओके। ये हो जाएगा एडिट करने के लिए, अगर आपको करना तो आप कर सकते हो। विड्थ यहाँ पे रहेगी पूरे का 3 feet 4 inches इसने लिया है, मुझे लेना है यहाँ पे इसका लेट्स सी 3 feet। हाइट आपको कितनी रखनी विंडो की वो आप डिफाइन करोगे, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लेट्स सी 5 feet। ये आप डिफाइन कर सकते हैं आपको रखना है नहीं रखना है, अभी के लिए मैं नहीं रख रही, 0-0 रखेंगे ठीक है। केसमेंट आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। इसके लिए इतना ही रखेंगे, ओके कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिएगा यस। टाइप बी, टाइप बी मुझे क्या चाहिए, डोर चाहिए, ओके किया। डोर का टाइप कौन सा होना चाहिए, सिंगल प्लेन सिंगल पैनल्स, डबल प्लेन डबल पैनल, मुझे चाहिए यहाँ पे सिंगल पैनल या फिर डबल पैनल। क्लिक किया हैंडल लेफ्ट और राइट, तो डबल है तो दोनों तरफ रहेगा, कोई इशू नहीं है, इसको कर दीजिएगा ओके। अभी यहाँ पे रहेगा डोर फ्रेम विड्थ, मैंने डिफाइन किया 3 inches, ये भी मैंने डिफाइन किया 3 inches। लीफ फ्रेम आप यहाँ पे बता दीजिए लेट्स सी 6 inches, ओके ये अभी के लिए हो गया बट ठीक है कोई इशू नहीं, इसको इतना ही रखते हैं। एंड यहाँ पे मैंने हाइट बताया, हाइट मैंने बताया यहाँ पे 7 feet, इसको मैंने किया ओके, यहाँ पे यस ओके कर दीजिए। तो आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 2 windows और 1 door मिल गया, आप सिंपली क्लिक कीजिए यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से। देखिए अगर आप यहाँ पे ग्रुप के अंदर जाके चेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पे वो इम्पैक्ट पूरे पे लेकर के आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिफाइन कर ली हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगी क्या, जा करके मैं सिंपली यहाँ पे बस ओके कर दूँगी ठीक है, ये पूरा आपका चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए कैंसिल करते हैं, सिंपली क्लिक किया और यहाँ पर जा करके मुझे इस तरीके से इसको हटा देना है। ये एक तो इस पोर्शन से हटाना है, एक सेकेंड इस पोर्शन से, एंड थर्ड इस पोर्शन से ठीक है। मतलब जहाँ पे भी आपको क्रिएट करने का नीड हो आप क्लिक करो, इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप के बाहर से करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको हट करके मिलेगा, क्लियर है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल एक्सटेंशन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे रहेगा जूम। इस एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग करते हैं सेक्शनिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए। आप सिंपली डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक्टिव करेंगे एक्सटेंशन को, क्लिक कीजिएगा सिंपली यहाँ पे कीजिए इसे सेलेक्ट, टूल्स में चेक कर लीजिए एक दफ़ा, दिस वन क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपका कट हो गया, क्लियर है। अभी आप इसको क्लिक करके इस तरीके से आप इस पर वर्क कर सकते हैं, एंड एज यू कैन सी क्लिक किया इसको मैंने किया ग्रुप 1 ग्रुप एज यू कैन सी देखिए ठीक है। अभी आप इसमें जो भी जिस भी तरीके से वर्क करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं, क्लियर है। सो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आपने इसके अंदर सीखा होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आप स्केचअप को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं तो कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके सभी कोर्सेज की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप आपके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, न्यू वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।